वेलकम फ्रेंड्स, gbdjobsadda.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेवल शिप रिपेयर्ड यार अप्रेंटिस ऑफलाइन फॉर्म 2019 के बारे में। ये जो वैकेंसी आई है नेवल शिप रिपेयर्ड यार्ड की तरफ से 145 वैकेंसी आई है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ITI वाले बच्चों के लिए सबसे बेहतर वैकेंसी है ये, तो चलिए जानते हैं कितना वैकेंसी है, कहाँ से अप्लाई करें, कैसे करें। चलिए इस वीडियो के थ्रू हम सब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस वैकेंसी की जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है ये 1/12/2019 है, ठीक है, तो काफ़ी समय है अभी से। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे 1/4/2020 के अनुसार मिनिमम 14 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम बिलो 21 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। कैंडिडेट्स शुड बॉर्न बिटवीन 1/4/1999 से लेकर 31/3/2007 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इस कैंडिडेट जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको 10वीं पास करनी होगी, और जिस भी ट्रेड के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के ITS सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। फॉर रीगर पोस्ट के लिए कैंडिडेट शुड हैव 8 पास। अगर रीगर कैंडिडेट के लिए 8 पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वैकेंसी किसके कितना कितना है हम जानते हैं पोस्ट वाइज। शिप राइट वुड के लिए है 6 टोटल वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन के 12, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 15, फिटर के लिए 4 वैकेंसी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस के लिए 4 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 4 वैकेंसी, मैकेनिस्ट के लिए 2 वैकेंसी, मेरिन इंजन फिटर के लिए 6 वैकेंसी, बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन के लिए 3 वैकेंसी, मैकेनिक डीजल के लिए 11, मशीन टोटल मेंटेनेंस के लिए 3 वैकेंसी, मैकेनिक मोटर वैकेंसी के लिए 12, सॉरी मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 12 वैकेंसी, मैकेनिक REF एंड AC के लिए, रेफ्रिजरेशन एंड AC एयर कंडीशनर के लिए 10 वैकेंसी, और पेंटर जनरल के लिए आपको है ये आपका 4 वैकेंसी, पाइप फिटर के लिए 10, ट्रेलर जनरल के लिए 3, टर्नर के लिए 3, शीट मेटल वर्कर के लिए 6, वेल्डर एंड गैस इलेक्ट्रिक के लिए 12, 2 ईयर्स ट्रेनिंग जैसे रिगार के लिए 5 वैकेंसी, और स्वीप राइट के स्टील के लिए 10 वैकेंसी निकली है। तो इससे इतनी वैकेंसी निकली है। जो भी कैंडिडेट्स अगर एलिजिबल हैं वो हमारे वेबसाइट gbdjobsadda में जाके, या वीडियो के नीचे भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से क्लिक करके ये सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको पूरे फॉर्म निकल जाएगा, यहाँ से फॉर्म मिलेगा, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपको बता दूँ, यहाँ से क्लिक करने के बाद, अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको पूरे फॉर्म दिखाई देगा, यहाँ से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर, उसे एक बार ज़रूर पढ़ ले। इसी तरह के अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो डिफेंस जॉब 2019 लिस्ट, ये लिंक नीचे 3 लिंक दिए गए हैं, इनमें जाके भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।